हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं किसके बारे में बात करना जाना बोले तो वेट लॉस का बारे में। वेट लॉस बोले तो मैं तो 90 केजी पहले, अभी 80 केजी, 10 केजी मैं कम कर लिए। कैसा कम करा बोले तो सब लोग आप लोग देखते थे यूट्यूब में, नो डाइट बोल के बोलते, नो एक्सरसाइज बोल के बोलते, नो जिम बोलते, फिर भी वेट लॉस कर सकते बोल के उन लोग देते। वो तो कितना बिलीव है मेरे को नहीं मालूम। मैं तो उसमें भी बिलीव करके मैं भी क्या बोलते हैं वेट लॉस करने के लिए सब का के वेट लॉस करते कैसा करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा अभी। मेन तो डाइट फॉलो करना, डाइट फॉलो करे तो ऑटोमेटिक में बॉडी कम हो जाते। मेरा लाइफ में मैं इतना इयर्स में मैं देख रहा हूँ अभी, पहले तो मैं 60 केजी, अभी तो 80 केजी 20 केजी में बढ़ गया। लास्ट तो डिलीवरी होने के बाद तो 90 केजी हो गया मैं, 90 के एक्स्ट्रा 30 केजी में बढ़ गया। फिर 90 केजी हो गया तो पैर का पेन, सबका पेन आ गया मेरे को, और बैक पेन भी आ गया, नींद तो अच्छा नहीं आते, और थायराइड भी बड़ा क्या बोलते ज़्यादा हो गया इसका, इसलिए डिस्टर्ब ज़्यादा हो गया। अभी वेट कम करना बोल के, कैसा कम करना बोल के मैं भी जिम गए, योगा गए, सब कुछ गए, फिर भी मेरे को कम नहीं हो रहा बॉडी। कहीं को बोले तो मैं जिम जाता हूँ, फॉलो करता हूँ, योगा भी मैं जाता हूँ, फिर फॉलो करता हूँ, फिर डाइट फॉलो नहीं करता हूँ। इधर अच्छा खाना खा के, राइस अच्छा खाना खा के, और कौन सा भी फूड, ऑयल फूड, बाहर का फूड सब खा के फिर जा गया तो भी हम लोग को फायदा नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग जिम जाइए, और योगा भी जाइए, और भी एरोबिक्स जाइए, वॉकिंग जाइए, कौन सा भी जाइए, फिर डाइट फॉलो करके जाइए, आप लोग बॉडी में ऑटोमेटिक में आप लोग कम हो जाते। मैं तो 10 केजी कैसा काम करा बोले तो 10 केजी में घर में बैठ के कम कर लिए, ओनली डाइट में 15 डेज में मैं 5 केजी कम हो गया। डॉक्टर के पास जाके, डाइटिशियन के पास जाके उन्होंने एडवाइस दिया ना, वो सेम वो मैं फॉलो करके 5 केजी कम हो गया। बाद में 2 केजी 1 केजी कम हो गया। कहीं को बोले तो थोड़ा बॉडी वीकनेस जैसा दिखते मेरे को, इसलिए फिर अभी थोड़ा ठीक है, अभी अच्छा है मेरे को बॉडी भी। 10 केजी कम होने के बाद तो अभी थोड़ा ज़्यादा भी अच्छा है अभी। अभी चलने के तो वॉकिंग चलने के टाइम तो अच्छा दिख रहा है मेरे को। अभी पेट भी थोड़ा कम हो गया, रिलीफ दिख रहा है अभी। अभी थायराइड भी कम हो गया। अभी लेडीज़ के मेन प्रॉब्लम थायराइड, PCOD सब रहते ना, वो भी अच्छा रिलीफ होता है। आप लोग डाइट फॉलो कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा डाइट फूड क्या है बोलते हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, वो खा लीजिए, गा के आप मैं क्या फॉलो कर लिए तो वो आपको मैं बोलता हूँ, वो फॉलो करके आप कौन सा भी एक आप जाइए, ये बात जाइए, और जिम भी जाइए, अच्छा रहता है। और ज़्यादा फ्रूट अभी मैं बाहर का फूड भी कम कर लिए, और घर में भी फूड तो ज़्यादा राइस नहीं खा रहा हूँ, चपाती खा रहा हूँ, और चपाती भी थोड़ा 2 ऐसा खा रहा हूँ, ज़्यादा फ्रूट्स खा रहा अभी, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा अभी ले रहा हूँ, इसलिए स्किन भी अच्छा ग्लोनेस हो रहा है, अभी अच्छा दिख रहा है स्किन भी, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग ज़्यादा फ्रूट्स खा लिए, अच्छा रहता है बॉडी को। नेक्स्ट वीडियो में मेरा फूड क्या है, मेरा डेली रूटीन फूड डाइट रूटीन क्या है बोल के मैं आपको वीडियो करता हूँ, अपलोड करता हूँ, देख लीजिए। बाय फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।